हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो असैसिन क्रीड 2 के शानदार गेम प्ले में फिर से आपका स्वागत है। एंड लास्ट गेम प्ले में हमने देखा था कि किस तरीके से चारों टेम्पलर जो एक पोप को रिपोर्ट करते थे उन्हें हमने मार दिया। एंड वो पोप अभी बचा है जो बेसिकली रॉड्रिगो को रिपोर्ट करता है। सो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं पहले चेस्ट में कुछ मिल जाए, क्योंकि लास्ट गेम प्ले में मैंने काफ़ी पैसा खर्च कर दिया था यहाँ पे। आई होप मुझे कुछ मिल जाए, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा अभी। योर इनकम इज जीरो, सी तो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है यहाँ, और मेरा मेन मिशन भी कहीं और है। यहाँ कुछ है मेरे पास नहीं, ये चेस्ट है बेसिकली, ट्रेजर्स है जिनकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मिल गए तो ढूंढ लेंगे, अदरवाइज नो नीड। अच्छा, यहाँ पे हमें लास्ट गेम प्ले में कुछ स्टैचू भी मिले थे। आई डोंट नो अब और स्टैचू कहाँ मिलेंगे, क्योंकि टोटल 8 स्टैचू हैं जो मुझे ढूंढने हैं, और वो हो ना हो इस विला में ही कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं इस पूरे एरिया में। अब वो कहाँ होंगे वो मुझे बस नज़र दौड़ाते रहना है। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। सॉरी 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 सॉरी, इससे चलता हूँ। अरे ट्रांसपोर्ट सर्विस कहाँ है यार, ये रही एक सेकेंड, मैं वही कहूँ। अरे हद है यार, ये रहा, ये बहुत सस्ते में निपटा देगा मुझे। मुझे जाना है टस्कनी। अच्छा गेट भी तो है यहाँ पे, ठीक है साउथ गेट चलते हैं, क्योंकि साउथ गेट से मेरा मिशन काफ़ी पास है। अब यहाँ मिलना क्या, ओ प्रेस टू थ्रो मनी, ये अभी तक मैंने नहीं किया है, ये मज़ेदार होगा किस्सा, राइट। हालांकि मैं, हाँ मेरे पास मनी बैग है, चलो मेरे पास नाइफ एक भी नहीं है यार, नाइफ मुझे परचेस करके रखने चाहिए थे, लॉन्ग डिस्टेंस में काफ़ी हेल्प होती है इससे। ओ ये, अरे यार ये गाने वाले ना, एक सेकेंड, वाओ डाउन, यू आर नॉट अलाउड अप हियर, दैट्स इट, खत्म। इसी को लूटता हूँ शायद कुछ मिले, $2 बोलता हूँ मैं, फ्रैंक है बेसिकली। ओ एक थ्रोइंग नाइफ मिला, ये सबसे अच्छी चीज थी। और ये रहा असैसिनेशन, व्हाट अ स्किल, लेकिन उससे पहले इसको हटा लो। ओ अभी भी नोटोरियस लेवल थोड़ा सा है, वाओ अब कबूतर किसकी मौत का फरमान लेके आया है। लोकल गाइड लीडर सप्लाई द पाजी, अच्छा बेसिकली सारे वही लोग हैं जो इन बुरे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके इन लोगों से भिड़ना नहीं अभी, हालांकि लड़ाई हो तो ज़्यादा कोई नुकसान है नहीं मेरा, बट स्टिल। नहीं सर नहीं, अभी कोई मेडिकल असिस्टेंट नहीं चाहिए, आगे लड़ाई होगी उसके बाद ही पता चलेगा। बहुत दूर है यार ये तो, वाओ पूरे दूसरे छोर पे है। ओ यार किधर मिलेगा ये, इसके पीछे रहना है बेसिकली, इसको मारना नहीं है, ये बड़ा सरप्राइजिंग है यार। या हो सकता है इसको तब मारना हो जब ये अपने लोकेशन तक पहुंच जाए। वैसे वो मुड़ मुड़ के देख रहा है, मतलब इधर उधर इधर उधर, ये देखो। अरे यार ये अब गाना बजाने वाला मेरे पीछे लग जाएगा, कम ऑन सर आपकी सर्विस नहीं चाहिए अभी।
ये देखो ये मानेगा नहीं। हद है यार। बहुत ही सावधानी से पीछे करना है, अदरवाइज अगर इसने इसको भनक लग गई कि मैं हूं यहाँ तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। देख रहे हो एक एक कदम एक एक कदम एक एक कदम एक एक कदम। ठीक है अभी तो बहुत खुले में, यहाँ वो देख नहीं पाएगा, मतलब देख लेगा बहुत आसानी से। बस इतना डिस्टेंस काफ़ी है, मतलब मेरी नज़रों से भी वो ओझल नहीं होगा। हट जाओ हट जाओ हट जाओ, थैंक यू, अभी सही है। कम ऑन मैन, देख रहे हो ये बॉक्स वालों से बहुत बच के जाना पड़ता है, अगर बॉक्स गिर गया तो दिक्कत हो जाती है। कुछ ज़्यादा ही दूर ले आया यार ये मुझे, बस मैं चाह रहा हूँ जो मेरा मेन मिशन है नेक्स्ट उसके आसपास तक मुझे लेके आए तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। कम ऑन मुड़ना नहीं चाहिए, गार्ड से बच के एकदम, बस अब ठीक है। हाँ भाई यार ये आंटी हर जगह लड़ती हुई दिख रही है, सीरियसली मैन ये बहुत लंबा घुमा रहा है। 25 सेकंड का टाइम स्लॉट मिलता है मुझे उसको नज़रों से ओझल होने से बचाने से। अब ये लेफ्ट मुड़ेगा नहीं, द प्राइस ऑफ परफेक्शन इज नॉट मेजर्ड इन कॉइन, वेल एक्चुअली यस इट इज, मेनी कॉइंस। सीरियसली सही सेल्समैनशिप चल रही है यहाँ पे। हाँ ओके okay. अरे मेरे पास वो नहीं है यार, ओह उसको मारना है, बट अगर मैंने उसको देखा तो क्या होगा, मतलब अगर उसने मुझे देखा तो, मुझे मालूम नहीं, कई बार ऐसा होता है मिशन फेल हो जाता है। देख रहे हो उस बंदे की नज़र मेरे पास ही है और मेरे पास थ्रोइंग नाइफ एक है यार, मैं भूल गया हूँ। भागो यहाँ से, हर जगह गार्ड्स हैं। दातरी दातरी दातरी, कम ऑन कम ऑन, इससे पहले वो पकड़े मुझे यहाँ से भाग जाना है। ओ नहीं 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 नहीं, ओह होली क्रैप, ओह मेरा डिस्टेंस कौन है यार, ओह मेरा मिशन बेसिकली हुआ नहीं था। आओ चलो फाइट हो ही जाए, कूल मार के ही जाऊंगा, वेरी नाइस। ओ ओ ओ ये डटा हुआ है, दैट्स इट, भागो यहां से, अब इतना ही था बस, 2000 फ्रैंक मिले इससे ज्यादा क्या चाहिए। सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है, अच्छा ही हुआ वो मेरे पीछे पड़ा। यहाँ कोई गार्ड ना देख ले, -25।
एक और लेटर का मिशन है मेरे पास, बट अभी उसको नहीं, अभी चलते हैं मेन मिशन की तरफ। यहाँ पे कोई नई फ्रेश मेमोरी स्टार्ट होगी। कोई देख तो नहीं रहा। What do you expect us to do? Give you an award? बस अरे गिर जा। एक एक पैसा जमा करने के लिए ना कत्ल करना पड़ रहा है। रेस्ट इन पीस, सही बोला। बेस्ट तरीका नोटोरियस लेवल गिराने का, इसके ऊपर है यार मेरा मिशन, इस बार ऊपर है। ये रहा, अब मुझे लग रहा है पोप वाली कहानी शुरू होगी बेसिकली। टेल्स कम टू पेप्सी टू द टेंपलस मीटिंग देन असैसिनेट हिम। कूल, इफ आई कैन स्टे माय ब्लेड लॉन्ग एनफ टू फॉलो हिम He'll lead me to his Templar brothers. I'll have more names for my list. Come on. बस वो पर पूरी भीड़ में चल रहा है। मुझे सच में नोटोरियस लेवल और कम कर लेना चाहिए था। Unfortunately, दोनों मिशन असेस में बोल रहा हूँ मैं, टेल टारगेटिंग का ही है। हटो यार। Seriously? वो देखो, वो रुक गया। What's going on here? Are they late? They haven't seen me. This much I know. वाह, बाल बाल बचा। वो I'm assuming that was an accident. Yes, ma'am. The shadows are his element. ये मानेंगे नहीं, सच में देख रहे हो। वैसे मेरे पास एक और तरीका, अगर मैं छत के थ्रू जाऊं तो मैं इस पे नजर रख सकता हूं, बट ऊपर एक पंगा है कि गार्ड मुझे देखते ही मेरे पीछे लग जाएंगे। ये बिल्कुल साइड मिशन जैसा ही हो गया कि पहले इसका पीछा करो, बाद में इसको मार दो। ओके, बस एक झलक चाहिए और टाइमर रिसेट। उसके पीछे गार्ड घूम रहा है बहुत कंटिन्यू। ये देखो, अब उसको प्रोटेक्शन के लिए या किस रीजन से, ये मुझे मालूम नहीं। वैसे मैं बहुत टाइम से यू एंड द अदर्स प्लानिंग याकोबो। याकोबो लियोनार्डो के पास भी नहीं गया, उसके पास कोई नया कोडेक्स डिक्रिप्ट हो सकता है। छोड़ दो सर, छोड़ दो, पीछा छोड़ दो। वैसे इसके लिए भी ऑप्शन आता है, मैं चाहूं तो इन बंदों को मार सकता हूं, बट नॉट रिक्वायर्ड। बस अब सही है, अब यहां से ऊपर ऊपर ही निकल लेंगे अगर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है तो। वेरी नाइस, बिल्कुल टाइम पे मिला। Not my problem. सही बोला, not my problem. Oh man, मुझे हायर करने पड़ेंगे लग रहा है। Ben, a lavoro. Give them something to think about. To be honest. अरे इनको छोड़ दो लड़ने के लिए।
ये सही तरीका था, मुझे मालूम नहीं अगर मैं गेट से निकलता शायद मेरे ऊपर अटैक। Your letter mentioned Venezia. Checkpoint Riz. Finally, at least अगर कुछ होता है तो यहीं से गेम आएगा वापस। बाहर करने क्या आया है? चलो तब तक एजियो की शक्ल ही देख लो। अच्छा मेरे बंदे भी आ रहे हैं, वो मार दिया इन लोगों ने वो उन सारे सिपाहियों को। ये तो कुछ अच्छा काम किया इन्होंने। गुड, इनको साथ रखना है बिकॉज उसके साथ जो एक बंदा चल रहा है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मुझे लग रहा है। कैसे अटेंशन में खड़े हुए हैं देख रहे हो? वो ये दो भी इसके पीछे हो लिए, तो ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है कि मैंने इन लोगों को हायर किया है। नहीं वो आगे निकल गए। नहीं 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 नहीं, वो दो अलग हैं और उसके अलावा और अलग हैं देख रहे हो? अबे यार हर जगह से। How many men are responsible for my father's death? Oh, holy crap! तो ये दिक्कत थी। यहाँ आना है लेकिन दिखाई नहीं देना है। So at least मुझे ये पता चल गया कि ये route follow नहीं करना है। Your letter mentioned Venezia. Are there Templars there as well? Wow. और मेरे गार्ड्स चले गए, ये मेरे लिए अच्छा हुआ बुरा हुआ मुझे मालूम नहीं। यार अब कैसे करूंगा मैं? मुझे उतरना पड़ेगा, उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है और दूर से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वो ये पूरा रेड सर्कल बना रखा है ये टेम्पलर्स की मीटिंग के। ठीक है, ये रेंज सफिशिएंट होनी चाहिए बेसिकली, बट हर जगह गार्ड्स जा रहे हैं यार। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे होगा? वाह चलो ये तो सही हुआ। इतने गार्ड्स के बीच में मैं कैसे उसको रोकूंगा और वो भी वहां जहां। अच्छा ये रही टेम्पलर्स। ओके How many men are responsible for my father's death? बस ये सही तरीका था। ये पहली बार में भी हो जाता लेकिन उस वक्त इतने सारे गार्ड्स आसपास घूम रहे थे। Oh, Rodrigo. The assassin proved too strong. Clearly. As the others would be here with you. To say nothing of the fact that Firenze remains in Medici hands. It's Francesco's fault. His impatience made him reckless. यही है वो पोप जिसके चार टेम्पलर मैंने लास्ट गेमप्ले में मारे थे। More like the voice of cowardice. You're one to talk, Signor Barbarigo. Had you sent us quality weapons instead of this garbage you Venetians call armament. We put our faith in your family and you repay us with inaction and incompetence? Then when asked to account for your failures, you make excuses and insult us?
How do you expect me to respond? I don't know. It's all right. I do. Oh, यहाँ पे तो guards बहुत. Oh my God. No. इसी ने मार दिया इसको. No, don't. Please don't what? Holy crap. At least इन्होंने मेरा काम आसान किया. But ये मुझे लग नहीं रहा कि मरेगा. Fix this. Spare me. No. Oh, wow. What a mess. खत्म. लेकिन गार्ड्स शायद देख लेंगे. So sorry to have claimed your prize, assassin. Oh. भाई पकड़ ही लिया. Did you honestly think I wouldn't expect you to follow? That I didn't plan for it. We've been at this a lot longer than you. अब मुझे यहाँ पे empty hand वाला style अपनाना पड़ेगा. Otherwise, इतने heavy guards को defeat करना बहुत मुश्किल है. If you release me, I will spare your lives. Listen to me. Oh ho. When they break the rules, we break you. Wow. Next कौन है? Never bring me. अरे आ जा, भाले वाले का चाहिए मुझे. ओ यही तो चाहिए. ओ मैन. भाले तो सही है यार. Come on. Oh. 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 Wow. ये गया. That's it. इसको क्या हुआ? अच्छा ये मरा नहीं है. ओह मैं कहा था ना ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे बिना ये मर जाए. बट एक बंदा भाग गया यार. Libero da fardelli e paure. Requiesca di pace. Now what? Finish him. Finish. Oh. एक सिंबल दिखा. रिलोड हो से पहले ये देख लेना जरूरी है. It's getting easier and easier to hack into Abstergo's mainframe. ये basically जो कैसे बोलूँ मैं, subject 16 था, उसकी मेमोरी है. अब इससे क्या पता चलेगा? कुछ ना कुछ क्लू मिलते हैं और ये सारे क्लू जब खोलेंगे उसके बाद एक वीडियो बनेगी. What? Its open mouth deliver the kiss of death. ये है. ओके, लीडिंग द यंग टू देयर एंड. यह है यंग. हाँ अच्छा, सो बेसिकली फोटो ढूंढनी है. यार ये क्या हो गया? ये रहा. द मॉन्स्टर डिड नॉट कम फ्रॉम मैन. यह है कुछ नहीं ना. हाँ एप्पल, ईडन का एप्पल. अब एक फाइल अनलॉक होगी जो छोटी सी एक वीडियो होगी. अच्छा ये मेरे पास एक थी कि यहाँ आ गया. प्ले ऑल. वाओ अभी कितनी, चार हुई हैं. 10, 13, 16, 20 फाइल्स हैं. होली क्रैप. 20 फाइल्स कंप्लीट होने पे सच्चाई पता चलेगी कि वो सब्जेक्ट 16 क्या कहना चाह रहा था. ओ माय गॉड. सो जो लोग पहली बार चैनल पे आए उनको मैं ये चीज़ बता दूँ कि बेसिकली मेन जो स्टोरी है वो डेज़मंड माइल, वो असली दुनिया में चल रही है. एंड एक मशीन
एनिमस के थ्रू ये हिस्ट्री को वापस से रिलीव कर रहे हैं अपने एंसेस्टर के थ्रू। सो एक बंदा जो इससे पहले टेस्ट सब्जेक्ट था, उसने कुछ सच्चाई पता की और वो कोर्ट्स में छुपा दी। अब वो एजियो कोर्ट्स के थ्रू ढूंढने की कोशिश कर रहा है एंड हिस्ट्री के जो इवेंट्स थे उनको रिलीव कर रहा है कि एक्चुअली में क्या हुआ था और चीज़ें कहाँ कहाँ थी। सो मेन कहानी है एप्पल ऑफ ईडन की, सबसे मेन कहानी उसी की है। पोस्टर 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 और कुछ नहीं है यहाँ, एक असैसिनेशन का है, यहाँ कोडेक्स है और ये है और यहाँ पे असैसिनेशन, दैट्स इट। तो मिशन कहाँ है मेरा? व्हाट? अच्छा ये तो रहा मिशन यार, मेमोरी स्टार्ट, इसी को शुरू करते हैं यार। बाकी कोडेक्स और इसको लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, वो मैं अभी नहीं करना चाहता, वो बहुत लंबा ट्रेवल हो जाएगा। एंड अच्छा ये रही, नॉर्मल है ये तो। ये कौन है? अच्छा वही बंदा जिसको हमने बचाया था, जिसकी पिटाई हो रही थी। Pazzi are dead. Every one of them. I must admit, I've never before believed I could desire the death of others so badly. Nor I. Ezio, thank you for the role you've played in keeping this dream of mine alive a little longer. L'onore è mio, signore. What will you do now, figliolo? There are still others I must hunt, signore. They're already digging their claws into the heart of Venezia. अब ये देगा लीड मुझे लग रहा है। La bella Venezia. Then that is where your journey must take you, Ezio. Before you leave us, I have something for you. पैसे दे दो यार। A gift. Yes, he... What? This cape identifies you as a friend of the Medici. As long as you wear it, the city guards will be more tolerant of your actions. But be warned, it will not grant you immunity from the law. So ye to ek benefit ho gaya. La fortuna favorisca la tua lama. वैसे भी हमारा टॉलरेंस लेवल कम ही रखता हूँ मैं। मेडिसी केप परमानेंटली एनोनिमस टू मेडिसी गार्ड। अच्छा इन फ्लोरेंस और टस्कनी, ओके ये तो एक अच्छी चीज़ बताई यार। फटाफट चलते हैं, आई थिंक ये ब्लू आइकन मुझे लग रहा है किसी शॉप का होना चाहिए जहाँ मैं मेडिसिन, अच्छा नहीं, अच्छा मेडिसिन केप तो मैंने ऑलरेडी पहन रखा है। सो ये क्या है, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव, चलो ठीक है, देखना ये है हमारे फ्रेंड ने हमें क्या ऑब्जेक्टिव दिया है बेसिकली अभी। ओ माय गॉड कैसी भूल भुलैया बनाई है, ये सफाई कर रहा है। अच्छा हुआ ये असैसिन क्रीड 1 की तरह नहीं है जिसमें पागल घूमते रहते थे और लिटरली बहुत बहुत ज़्यादा परेशान करते थे वो लोग। कमान अच्छा तभी मेरा नोटोरियस लेवल एकदम से कम हो गया। गुड ये सही है। और यहाँ ये क्या बात हुई? Leonardo Leonardo is city me? Mi dispiace, messer, but he is gone. Maestro Leonardo was commissioned by a Venetian noble to paint some portraits. He paid for the maestro to move his entire workshop to Venezia. It's quite an opportunity. Grazie mille, friend. चलो सब भैया चले गए यहाँ से। Leonardo अब कहाँ गया है, ये कौन से सिटी में सिटी चेंज की है? नहीं अच्छा ओ ये फ्लोरेंस ही तो है, ये फ्लोरेंस ही है। ये फ्लोरेंस ही है यार, मैं सोच रहा था टस्कनी, मिशन ख़त्म होने के बाद सीधे ये टस्कनी आ गया यार। ये कोडेक्स मुझे लेना है, ये कोडेक्स लेने के बाद फिर ट्रेवल करता हूँ किधर, बाहर की तरफ, बहुत लंबा है लेकिन। और इधर ही पास में एक क्या बोलते हैं व्यू पॉइंट भी है। यार ऐसे बहुत टाइम लगेगा, गार्ड्स देखूं, चेक भी तो करना है गार्ड्स क्या करते हैं।
वाव 7000 फ्रैंक विला में जमा हो गए। ओहो अबे गलती कूद गया यार, इतना उछल कूद करने के बावजूद क्या डिस्टेंस कम हुई, कुछ हुई? हाँ कुछ तो कम हुई। ओ ये रहा वो टावर, ठीक है अब टावर का रास्ता तो दिखाई दिया, गुड। इससे पहले गार्ड देखे ऊपर निकल लो। ओ, 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 ओ। उसका रेड सिग्नल जल रहा है मस्त, बट नो वरीज मैं बहुत ऊपर हूँ। आई थिंक ये लास्ट मेरा व्यू पॉइंट था फ्लोरेंस का। मुझे आइडिया नहीं अभी जो लेटेस्ट अभी असेसिन क्रीड्स के गेम आ रहे हैं उसमें क्या ऑप्शन दिए इन्होंने, मतलब अगेन उसमें भी ऐसा करना पड़ता है कि मैप को ओपन करना पड़े या फिर ऑटोमेटिकली पूरा मैप खुला रहता है। अरे यार कोडेक्स, गार्ड नहीं है यहाँ, वेरी नाइस। सो इसके नीचे है कोडेक्स, ओके तीन गार्ड ये रहे और बाकी गार्ड ये रहे। अब क्या करा जाए, यार ये परेशानी है, वो तीन और चार सात हैं, देखूं दो मरेंगे। You are under my watch अरे now, रुक जा। If I see you, same them slow. अच्छा जी, That's it. अच्छा जी, ऐसा भी करते हैं लोग। Come on, इसको तो इसी के से उससे मारूंगा। वाह, कोडेक्स पेज कैसे छोड़ दूं यार मैं? Let's move from here. तो नोटोरियस लेवल बड़ा नहीं हमारा, ये अच्छी चीज हुई। इम्यूनिटी नहीं मिली, वो बिल्कुल सही बात बोली थी उसने। इसको जाने दो। कम ऑन, बहुत दूर जाना, 594 लिटरली बहुत दूर है ये तो। Come friends, I've fresh caught leeches today. Again? Seriously? ये ये guards हैं। Right. Come on, फिर से guard आ गए यहाँ पे। चलो ठीक है, ये गार्ड्स कुछ नहीं करेंगे, यही तो एक फ़ायदा है। 440 अभी भी बहुत लंबा डिस्टेंस है, गलियों से जाऊंगा तो टाइम लगेगा। देखता हूँ अगर रास्ते में मुझे कोई असेसिनेशन वगैरह का कोई मिशन मिल गया जो वर्थ हो तो मैं ट्राई करूँगा, बट पता कैसे चलेगा कि वर्थ है या नहीं, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही होता है। नहीं एक लेटर का मिशन भी था यार यहाँ पे जो मैंने टच नहीं किया अभी तक। वाह, ओह थैंक गॉड, मिनी मैप पे नज़र रखना इसलिए बहुत ज़रूरी है, रास्ते कहाँ बंद हैं कहाँ खुले हैं इसी के थ्रू पता चलता है। हटो, रास्ता दो, गुड।
अबे यार चल, एक असेसिनेशन का मिशन है, क्या करें, कंप्लीट करें इसको। अब ऐसा ना हो इसको मारने के लिए मुझे पूरा शहर घूमना पड़े, तो फिर मैं शहर से बहुत दूर हो जाऊंगा। मतलब मेन मिशन मेरा है लियोनार्डो के पास जाने का। काकासुमा ऊपर कोई है? नहीं, ऊपर कोई नहीं है यार। यहाँ आओ, आ जा बेटा। ओ वाह, कबूतर खाने पे आया था यार, उसके लिए इतनी मार काट कर दी इसने। फिर से मौत का फरमान, बट किसका ये देखना जरूरी है। अ मेंबर ऑफ सल्वुसी फैमिली हु हेल्प्ड स्मगल आवर एनिमीज। लोकेट द टारगेट, यार ये बहुत दूर है, 235 meters। क्यों इतनी पनौती क्यों लगती है यार? ये है रास्ते, देख रहे हो? भाई साहब ये पीछे ही लग जाएगा मुझे लग रहा है। सीरियसली मैन, बहुत लंब, अभी भी 300 meters है। What? यहां से डिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है? वाह, जहां से मैं आया था मुझे वापस वहीं जाना है। नॉट गुड, नॉट गुड, मेरा पूरा टाइम इसी डिस्टेंस में निकल जाएगा। ठीक है, अब रुकना नहीं है, अब चाहे धक्का देके जाना पड़े चलेगा। यार ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों? ये डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे कर रहा है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा वो डिस्टेंस, ओके मैं समझ गया, वो डिस्टेंस मेरा मेन ऑब्जेक्टिव से दिखा रहा है, जो ये वाला मिशन है इससे नहीं। ये तो पहुंच गया मैं, आओ गार्ड्स हैं यहाँ पे, आओ। एंड व्हाई ये तो बंद है। सो हो ना हो ये इसके अंदर ही है। एंड वर्स्ट, यहाँ पे गार्ड है पीछे। अरे रुक जा, चार, ओ माय गॉड, पीछे ही पड़ गया लिटरली। हाँ ये रहा ना रास्ता, अब ठीक है। बस यहीं से तो चढ़ा था यार।
ये क्या बात हुई यार? किसने देखा? किसी ने देख लिया मुझे। वाव, आर्चर की नजर बहुत तेज है भाई। नॉट राइट यार, ये नहीं समझ में आ रहा मुझे, ये बंदा मूव कर रहा है क्या? आई थिंक अब उसने अपने निशाने हटा लेने चाहिए मेरे से। वाओ, पहले लूट लो उसके बाद उसको ढूंढो। मुझे लग नहीं रहा मैं लियोनार्डो तक आज पहुंच पाऊंगा। Kill the target without being detected. कैसे? अब यहाँ पीछे कोई गार्ड है मेरे? लो, मेरे पीछे ही गार्ड है। सीरियसली मैन, और उसके साथ उसके सिपाही घूम रहे हैं, यही होना बाकी था। अब कैसे मारूं उसको? उसका गार्ड भी मुझे देख लेगा। यार अगर इधर मैं लटका भी तो भी ये मुझे देख लेगा। तो फास दिया इन्होंने, अब वो मूव नहीं होगा मुझे लग रहा है। हाँ आप सही है। अरे यार ये बहुत टेंशन वाला काम हो गया। मेन वो है बंदा। कैसे मारूं उसको? अरे हर कोई देख रहा है मुझे। मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा। एक तरीका है मेरे पास, एक तरीका है मेरे पास। अगर मैं स्मोक बम डालूं पहले इसको मारूं और फिर स्मोक बम डालूं। या फिर एक सेकेंड,
लगता है पैसे फेंकने का टाइम आ गया। अब यार सच में मुझे नहीं समझ में आ रहा, और ये थोड़ा सा मामला अटकता सा नजर आ रहा है। ये देखो रिस्क ही लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। इसे मारे बिना तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, इतना कंफर्म है। और गार्ड एक उस कोने में भी है और इस कोने में भी है। सीरियसली मैन, ये लो और गार्ड्स आ गए। मेरे पास सच में दिमाग में मेरे पास कोई टेक्निक नहीं आ रही अभी। चलो रेड केप के कारण तो बचा हुआ हूँ। कमान हट जा। ओ बाल बाल बचा यार, वो ऐसी जगह पे जहाँ मैं उसको मार नहीं सकता हूँ। एक सेकेंड, आई थिंक स्मोक बम काम आएगा अब मेरे। अरे हट, एक सेकेंड, तरीके ढूंढने तो पड़ेंगे। ओह, ये गार्ड और एक मुसीबत बना हुआ है मेरी। अच्छा वाह, हर तरफ से वो देख रहा है मुझे। नहीं अच्छा, उसने मुंह ही मोड़ लिया यार, ये बहुत टाइम ले गया मेरा। विदाउट डिटेक्ट कैसे मारूं मैं उसको यार। ये नहीं, अच्छा नहीं वो भी देख सकता है यार, ये बहुत कंफ्यूजन है। एक सेकेंड, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे भागते हुए जाना है और उसके पास स्मोक बम डालना है। वही ट्राई करके देखता हूँ। ओह नहीं यार, इतनी देर किया और वो भी टाइम वेस्ट हो गया पूरा का पूरा। असैसिनेशन का ये टारगेट, एक सेकेंड, किधर है किधर है किधर है। ओह
After you. Where do you think he's from? Napoli. बस भागो यहाँ से. अरे कम ऑन. अरे कम ऑन यार, चढ़ रहा है तो चढ़ जा. सीरियसली मैन. अरे हर तरफ गार्ड्स हैं. दैट्स इट. ये हो गया मिशन कंप्लीट. फटाफट ये रहा. ऊपर ऊपर नहीं रहना है. ऊपर रहते तो ये देखो ये पीछे ही पड़ जाते हैं. सीरियसली अब यहाँ बैठते हैं, आराम करते हैं एंड गेम प्ले को पॉज करते हैं. बेसिकली गेम प्ले भी काफ़ी लंबा हो गया है एंड दो एसेसिनेशन के मिशन हो गए. एंड उसके अलावा दूसरी मेन चीज़ है वो है कि हमारा मेन मिशन में जो मेन पोप था वो मर गया है. तो अब मैं दिखाता हूँ कॉन्स्पिरेटर्स में बचे कौन कौन है, बिकॉज ये है वो कड़ी जिससे हम खेल रहे हैं. ये तीन हमने स्टार्टिंग में मार लिए थे, उसके बाद इन चारों को हमने मार लिया. अब रॉड्रिगो बचा हुआ है ये हमें मालूम है, लेकिन ये वेनेटियन ये कौन है ये अभी तक पता नहीं चला है. तो ये धीरे धीरे गेम में आगे बढ़ने पर ही पता चलेगा. अहम ये क्या हुआ, किधर से गार्ड की नज़र, शायद एरो अटक गया है. सो दैट्स इट गाइज. अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. एंड अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करने का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. गेम प्ले देखते रहिए. असैसिन क्रीड का ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. एंड असैसिन क्रीड के अलावा और भी ओपन वर्ल्ड गेम, एक्शन गेम, शूटिंग गेम, वॉर गेम, रेसिंग गेम्स, बहुत कुछ मैंने अपलोड कर रखा अपने चैनल पे. तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वीडियोज़ को एंजॉय कर सकते हैं. तो गेम प्ले देखते रहिए और अपना ध्यान रखिए. नेक्स्ट टाइम तक के लिए बाय बाय.